दर्शक नमस्कार, प्राइम टाइम इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे। प्राइम टाइम इस कार्यक्रम में आज का टॉपिक है म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। आखिरकार ये ब्लैक फंगस क्यों होता है और ब्लैक फंगस से अब तक के कितने मरीजों की आंखों की जांच की गई जिसके बाद उन्हें उनके जीवन में एक अंधेरे सा आया है। कहने का तात्पर्य है कि उनके आंखों की रोशनी चली गई है। इतना खतरनाक ये म्यूकोरमाइकोसिस अब लोगों को परेशान कर रहा है। आज के इस टॉपिक के लिए हमारे साथ कुछ विशेषज्ञों की टीम भी जुड़ रही है जो म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दर्शकों, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आपको बता देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के चलते अब तक के तकरीबन 52 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बात की जानकारी एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने दी थी। कहा यह भी जा रहा है कि यह दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन के चलते जान गंवाने वाले सभी लोग कोविड-19 का शिकार हो चुके थे। मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार भी एक्टिव नजर आ रही है। खबर ये भी है कि राज्य में एक नई सूची बनाई जा रही है जिससे ब्लैक फंगस के चलते हुई मौत से जुड़ी जानकारियां शामिल होगी। एक तो पोस्ट कोविड किंवा कोविड ची ट्रीटमेंट चालू असताना सुद्धा हा जो काळी बुरशी किंवा बुरशीजन्य हा आजार आहे, या संदर्भात जवळजवळ असे खूप कमी जिल्ह्यात की जिथे आता पेशंट नाही, बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये हे काही पेशंट्स आढळत आहेत आणि त्यामुळे या संदर्भात सुद्धा उपाययोजना करणं तातडीनं गरजेचं आहे। यातली एक महत्त्वाची बाब अशी आहे की ही याला मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लागतो, म्हणजे याच्यामध्ये कान नाक घशाचा डॉक्टर इन्वॉल्व असायला लागतो, यामध्ये ब्रेनचा डॉक्टर सुद्धा म्हणजे तुमचा न्यूरोलॉजी इन्वॉल्व असावा लागतो, इंटेन्सिव्हिस्ट इन्वॉल्व असावी लागते, ऑप्थॅल्मॉलॉजी कारण डोळ्याशी याचा संबंध आहे त्यामुळे डोळ्यांचा डॉक्टर सुद्धा ऐनवेळेवर इन्वॉल्व असावा लागतो आणि म्हणून हा कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये याचा उपचार केला जाईल असं नाही। आणि म्हणून मी काल जसं म्हणालो की जरूर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या हॉस्पिटल्समध्ये आपण मोफत करणार, परंतु महात्मा ज्योतिबा फुलेचे सगळे हॉस्पिटल्स यासाठी इक्विप नाहीत। याचा अर्थ यासाठी हे मल्टी अप्रोच जे आपल्याला सगळं लागतो, अनेक लागतात, तर ते सगळेच त्यासाठी पात्र होतील असं नाही, पण प्रत्येक डिव्हिजनमध्ये आपण नक्कीच पात्र त्यासाठी करूया। काही 100-100 हॉस्पिटल्स तरी किमान होतील अशा अपेक्षा प्रायव्हेट आणि खाजगीमध्ये आणि गव्हर्नमेंटमध्ये। जे प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजेस आहेत आणि गव्हर्नमेंटचे मेडिकल कॉलेजेस आहेत, ह्या दोन्ही कॉलेजेसच्या अनुषंगाने याचा उपचार तिथं केला जाऊ शकेल। आता महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये हे जे महागडं औषध आहे, हे औषधं जर त्यांच्या पॅकेजमध्ये बसत नसेल किंवा पॅकेजपेक्षा जास्त खर्च लागत असेल, तर हॉस्पिटलला हे औषधं आम्ही गव्हर्नमेंटकडून फ्री पुरवण्याचं काम करू शकू, त्या पद्धतीचा प्रस्ताव माझ्याकडे आज निश्चित प्रकारे येईल आणि आम्ही त्या संदर्भातला निर्णय, म्हणजे जे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचे हॉस्पिटल्स आहेत तेवढ्या हद्दीपर्यंत हे हा खर्च भागवण्याचं काम शासनाच्या वतीनं सुद्धा केलं जाईल। या संदर्भात राज्य शासनाने एम्फोटेरेसिन नावाचं, एम्फोटेरेसिन बी नावाचं जे खऱ्या अर्थाने यासाठीचं औषध आहे किंवा ड्रग आहे, इंजेक्शन आहे, त्याचे 1,00,000 व्हाईल्ससाठीची ऑर्डर ही हाफकिनला दिलेली आहे आणि हाफकिन त्या संदर्भात 3 दिवसाचं टेंडर काढून हे इंजेक्शन्स उपलब्ध करून देणार आहे। वाढत असलेली संख्या लक्षात घेता हा एक महत्त्वाचा उपाय आपण केलेला। आज MRP म्हणजे हेच जे इंजेक्शन हे 2,000 रुपयाला मागे मिळत होतं ते आज 6,000 रुपयाला झालेलं आहे आणि ही जी काही तिप्पट किंमत वाढवण्याचा विषय होतो तो MRP त्यांची 6,000 असते म्हणून, आणि म्हणून MRP च्या संदर्भात मी स्वतः केमिकल अँड फर्टिलायझर मिनिस्टर आणि त्यांच्या अंडर येणारी जी महत्त्वाची संस्था आहे ती म्हणजे NPPA, नॅशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी, या NPPA ला आपण पत्र लिहून MRP ला कॅप करण्याचं काम किंवा MRP कमी करण्याचं काम हे करावंच लागेल। अन्यथा हा जर संख्या वाढली
तर निश्चित प्रकारने हा सामान्य लोकांच्या हाताच्या बाहेर जाणारा विषय होऊ शकणार आहे आणि त्यामुळे ते पण आपण महाराष्ट्र में बीते साल कोविड 19 महामारी शुरू होने के बाद से अब तक 52 लोगों की म्यूकरमाइकोसिस से मौत हो गई। बुधवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में ब्लैक फंगस के 1500 मामले थे। अब इस नई परेशानी के चलते पहले कोरोना के कारण तनाव में चल रहे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। दर्शकों, राज्य सरकार म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों के इलाज के लिए 1,00,000 एम्टोटेरिसिन बी एंटी फंगल इंजेक्शन की खरीदी के लिए टेंडर जारी करेगी। आंख और नाक को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले म्यूकोरमाइकोसिस का मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। ऐसे में पहले ही कोविड-19 के खिलाफ जंग में तैनात स्वास्थ्य विभाग के सामने नई परेशानी खड़ी हो चुकी है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी थी कि म्यूकोरमाइकोसिस अन्य बीमारियों जैसे मलेरिया की तरफ नोटिफाइड नहीं है। ऐसे में इससे जुड़े मामलों का खाका और डेटाबेस तैयार नहीं किया गया था। अब जब कोविड-19 मामलों के साथ साथ ब्लैक फंगस के मरीजों में इजाफा जारी है तो राज्य में डेटाबेस तैयार करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य जानकारी के अनुसार म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादातर उन कोविड मरीजों में पाया जा रहा है जो डायबिटीज, शुगर स्तर में उतार चढ़ाव या खून में बढ़ते आयरन स्तर का शिकार थे। म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस दर्शकों इतना खतरनाक है कि अब तक के 52 लोगों की जान तो चली गई है लेकिन शहर के 8 मरीजों की आंख की रोशनी भी चली गई है। ये बहुत ही दुख का विषय है। ऐसे में जब हमने स्वास्थ्य मंत्री राज्य के राजेश टोपे से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कमजोर ह्यूमन सिस्टम किसी गंभीर बीमारी के मरीजों पर ब्लैक फंगस का जोखिम ज़्यादा है। ऐसे में राज्य सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में अब अलग से वार्ड स्थापित करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने यह मान लिया है कि राज्य में कम से कम 8 मरीजों ने म्यूकोरमाइकोसिस के चलते एक आंख की रोशनी गंवा दी है। म्यूकरमाइकोसिस हा एक म्यूकरमायसिटिस नावाचा एक समूह आहे याच्यामध्ये फंगसचा, तर त्याला सरासरी आपण ब्लॅक फंगस असं म्हणतो। हे जे फंगस आहे ते जास्त करून जमिनीवर सापडतं, आपल्याला हवेमध्ये पण हे फंगस सापडतं पण हवेमध्ये ते कमी प्रमाणामध्ये सापडतं, पण जिथे जिथे घाण आहे आपण म्हणूया उकेरडा आहे किंवा जिथे कुजलेले सगळ्या गोष्टी आहेत अशा ठिकाणी हे फंगस आपला फंगस सापडत असतो। आणि हा जो फंगस आहे हा सरासरी ज्या लोकांना आपण म्हणूया डायबिटीज खूप अनकंट्रोल्ड आहे, अनियंत्रित आहे, किटोअसिडिसिस नावाची गोष्ट त्याच्यात झाली आहे किंवा जे इम्युनो कॉम्प्रोमाइज आहे जसं किडनी ट्रान्सप्लांट आहे किंवा ज्यांना HIV आहे ज्यांना इम्युनो कॉम्प्रोमाइज आहे अशा लोकांच्या मध्ये 1% लोकांना ह्याची लागण होत असते। पण आता आपण कोविड-19 मध्ये असं बघतो आहे की याची लागण जास्त प्रमाणामध्ये होताना दिसत आहे। म्यूकरमायकोसिस हा जो आजार आहे तो हा आजार आता जो होत आहे त्याचं पहिलं कारण आपल्याला समजावून सांगतो की हे कारण असं आहे की आपण कोविडच्या पेशंटना स्टेरॉइड देत आहोत आणि स्टेरॉइड देत असताना जे कोविडचे पेशंट आहेत हे कोविडचे पेशंट त्यांचा मधुमेह नियंत्रित नसतो किंवा त्यांना इम्युनो सप्रेशनच्या गोळ्या सुरू असतात आणि त्यानंतरही त्यांना स्टेरॉइडचे जे हाय डोसेस दिले जातात अशा वेळेस हा म्यूकोरमायकोसिस नावाचा आजार त्यांना होतो। हा आजार होत असताना तो आपल्या नाकाच्या तिथे जे सायनसिस आहे तिथे होत असतो, तिथून तो मेंदूमध्ये जात असतो। तो याला रेनो सेरेब्रल म्हणजे नाकापासून मेंदूपर्यंत जाणारा आजार असा आपण म्हणतो। दुसरा आजार होतो तो फुफ्फुसामध्ये होतो, आपले जे फुफ्फुस आहेत त्याच्यामध्ये होऊ शकतो। तिसरा आजार जो आहे तो आपला जो हे आहे इंटेस्टाईन आहे, पोट आहे,
तिथं तो होऊ शकतो, आतडीमध्ये तो होऊ शकतो, आणि चौथा आधार आहे तो कातडीला होऊ शकतो, पाचवा डिसेमिनेटेड म्हणतो म्हणजे हा बऱ्याच ठिकाणी होऊ शकतो. असे हे पाच प्रकारचे आजार त्याच्यामध्ये होत असतात पाच वेगवेगळ्या ठिकाणी. आणि हा आजार झाल्यानंतर त्याला ओळखण्यासाठी आपल्याकडे जे चिन्ह लक्षण आहेत ते त्यामध्ये सुरुवातीला आपलं आपला तोंडाचा आतला पॅलेट भाग आहे तिथे काळा ठिपका दिसतो किंवा नाकाच्या आत काळा पडदा आल्या काळे ठिपके पडलेले दिसतात. सूज येते म्हणजे आपला जो सायनसचा भाग आहे किंवा डोळ्याचा मुख्यतः डोळा सुजतो आणि डोळ्याच्या आजूबाजूचा भाग जो आहे तो सुजलेला असतो. हे त्याच्यामध्ये सुरुवातीचे जे आहेत ते. आणि त्याच्यानंतर पॅरास्थिसिया म्हणजे इथं जे आहे तर इथे आपले बोट वगैरे ठेवलं ते जाणवत नाही. तर अशा प्रकारच्या ह्या ज्या काही चिन्ह लक्षण आहेत ते दिसतात. त्याचबरोबर त्या रुग्णाला ताप येतो आणि ताप आल्यानंतर जो आजार जो मोठ्या प्रमाणात असेल तर त्या डोळ्याचं दिसायचं बंद होऊन तो डोळा बाहेर आलेला असतो. हे मेंदूच्या किंवा आपण सायनस मध्ये आपण म्हणतो जे आता सध्या कॉमन आहे तर त्यामध्ये हा असा आजार आपला दिसतो. त्याचे ही लक्षण आहेत आणि त्यामुळे ही लक्षणं येऊ नये याच्यासाठी किंवा आली तर त्यावर आपण लवकर लक्ष दिलं पाहिजे. आपण असं बघतोय की करोना सुरू असताना हा काही रुग्णांच्या मध्ये दिसत आहे पण करोना झाल्यानंतर मात्र हा आपल्याला दिसत आहे. त्याच्यामध्ये तिसरा चौथा असा जो आठवडा आहे आपला त्यानंतर हा दिसत आहे. त्याचं कारण असं आहे की करोनाच्या काळामध्ये यांना जे काही औषधोपचार केले गेले आहेत तर त्यामुळे त्यांची प्रतिकार शक्ती कमी होते आणि ती प्रतिकार शक्ती कमी झाल्यामुळे हा आजार आपल्याला आता दिसत आहे. आणि म्हणून हा आजार होऊ नये याच्यासाठी आपण दोन गोष्टी करणं गरजेचं आहे. एक, ज्यांना मधुमेह आहे किंवा जे इम्युनो कॉम्प्रोमाइज आहे तर त्यांनी स्वतःचा आजार नियंत्रित करावा. तो आजार नियंत्रित असेल तर हा फंगस होणार नाही. दुसरी गोष्ट अशी आहे की जे आपण स्टेरॉइड देतो तर याचं जे प्रमाण आहे हे आपण एक नियंत्रित प्रमाण झालं पाहिजे. कारण आपण मिथाईल प्रेडनिसोलॉन नावाचं जे औषध देतो आहे तर त्याचे डोसेस 40 मिलीग्राम ते 60 मिलीग्राम दोन वेळा जास्तीत जास्त असू शकतात पण ते कधी कधी जास्त दिले जातात किंवा जास्त दिवस दिले जातात. ते 3 ते 5 दिवस द्यावं की ज्याच्यामुळे आपली प्रतिकार शक्ती कमी होणार नाही. आणि प्रतिकार शक्ती कमी झाली नाही तर अशा प्रकारचा फंगस होणार नाही. कारण या फंगस मध्ये जर तो मेंदूपर्यंत गेला तर पुढे आपल्याला मृत्यू पण ओढावू शकतो आणि म्हणून त्याची काळजी घेणं गरजेचं असतं. करोना आपला झाल्यानंतर जेव्हा हा म्युकर मायकोसिस होतो तर अशा वेळेस जेव्हा आपल्या डोळ्याच्या आजूबाजूला थोडीशी सूज दिसायला लागते, नाकाच्या आजूबाजूला सूज दिसायला लागते किंवा काळे ठिपके आपण जेव्हा सकाळी बघतो आपले दात वगैरे घासताना जेव्हा दिसतात तर अशा वेळेस ताबडतोब डॉक्टरकडे जाणं गरजेचं आहे. कारण हा आजार घरी त्याच्यावर उपचार करणं शक्य नसतं आणि हा आजार जेव्हा येतो तेव्हा त्याची बायोप्सी करावी लागते. त्यानंतर मग आपल्याला कळतं की हा म्युकर मायकोसिस आहे किंवा नाही आहे. आणि म्युकर मायकोसिस असेल तर लायफोलाइज अम्पुटेटेशन बी नावाचे इंजेक्शन घ्यावे लागतात. हे आपल्या रक्तवाहिनीतून दिले जातात. आणि जर लवकर आजार आपला माहिती झाला आणि लवकर हे अम्पुटेटेशन बी किंवा अँटीफंगलचे इंजेक्शन दिले तर या आजाराला पुढे ऑपरेशन किंवा काही करावं लागत नाही. आणि म्हणून याच लवकर निदान होणं आणि लवकर उपचार करणं याच्यामुळे मग आपले जे अवयव आहेत ते निकामी होत नाहीत. पण याला जर उशीर झाला तर तो जो म्युकर मायकोसिस आहे तो आपल्या सायनस मध्ये जातो. त्याच्यानंतर तो आपल्या कॅहोर्नस सायनस नावाचं मागे सायनस असतं त्यात जातो आणि तिथून तो मेंदूपर्यंत त्याची मजल गाठू शकतो आणि त्यामुळे हे आपल्या जीवावर बेतू शकतं. पण हे जर वाढतच असेल तर आपल्याला कधी कधी ऑपरेशन करून हा जो फंगस आहे हा काढावा लागतो. हे काढत असताना जर तो जास्त झाला असेल तर आपला कधी कधी डोळाही काढावा लागतो. त्याला आपण एक्झॅन्ट्रेशन असं म्हणतो. अशा वेळेस आपण जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि म्हणून याच्यावर उपाय करत असताना पहिला उपाय आहे की हे होऊ नये म्हणून काळजी घेणं. दुसरा आहे की याला लवकर उपाय करणं आणि इंजेक्शन घेणं. आणि तिसरा उपाय आहे की याला लवकरात लवकर जर औषधाने त्याच्यावर काही परिणाम होत नसेल तर त्याची शस्त्रक्रिया करणं. नाही असं आपण असं म्हणूया की जे रुग्णालयामध्ये आयसीसीयू मध्ये वगैरे ऍडमिट होतात अशा रुग्णांना 1% म्हणजे सर्व रुग्णांना नाही जे आयसीयू मध्ये रुग्ण ऍडमिट आहेत अशा रुग्णांना हा होताना दिसत आहे. ज्यांना ऑक्सिजन लागला आहे अशा रुग्णांना होताना दिसत आहे. आणि त्यामुळे आणखी एक गोष्ट केली पाहिजे की हा तिथल्या वातावरणामध्ये असता कामा नये.
आणि म्हणून रुग्णालय आणि आयसीयू हे स्वच्छ ठेवणं गरजेचं आहे. आणि आपण पाहतोय की त्याची जी ट्यूब आहे ऑक्सिजनची आपण ट्यूब घालतो ती स्टरलाइज करणं गरजेचं आहे. किंवा तिथं आपण जे पाणी वापरतो ते डिस्टिल्ड वापर पाणी वापरणं गरजेचं आहे. साधं पाणी टाकू नये तिथे. त्याचबरोबर आपले जे काही सिलेंडर ठेवले ते त्याला रस्टेड म्हणजे त्याचा ते रस्ट झालेला असतो अशा ठिकाणी जिथं फंगस आहे आणि अशा ठिकाणी आपला रुग्ण असेल तर तो मग आपल्या नाकातनं आपल्या याच्यामध्ये जाऊ शकतो. म्हणून तो तिथे निर्माण होऊ नये म्हणजे सगळे आपले आयसीयू जे आहेत ते स्टरलाइज ठेवले पाहिजे. आणि आपण असं केलं तर त्याला आपण टाळू शकतो आणि हे टाळणं महत्वाचं आहे. म्हणून प्रिव्हेन्शन जे आहे ते सर्वांनी करावं म्हणजे त्यांचा आजार नीट ठेवावा नियंत्रित ठेवावा. त्याच्यानंतर जे औषध उपचार करतायत त्यावेळेस स्टेरॉइडवर जास्त लक्ष ठेवावं आणि पुढे जर चिन्ह लक्षणं आली तर लवकर जाऊन उपाय करावे. लवकर जाऊन उपाय केले तर आपला पुढची शस्त्रक्रिया टाळता येते. आणि समजा शस्त्रक्रिया केलीच तर मग मात्र आपल्याला ते आपलं जे जीवन आहे ते वाचवण्यासाठी. म्युकर मायकॉसिस हा एका माणसापासून दुसऱ्या माणसाला होत नाही तर तो म्युकर मायकॉसिस जो आहे तो घरातल्या लोकांना संसर्गजन्य ठरत नाही त्याच्यामुळे त्याची भीती नाही आहे. पण तो त्यांच्यासाठीचा आजार जो आहे तो तीव्र स्वरूपाचा तो आजार असतो जर तो मेंदूमध्ये गेला तर. आणि म्हणून त्याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. इतरांना तो होत नाही आणि त्याच्यासाठी फार इतरांनी त्याची घाबरून जायची गरज नाही. पण मात्र त्यांना ज्यांना झाला आहे तर त्यांना दाखवण्याची गरज आहे. प्रत्येक वेळेस डोळ्यावर सूज येते ते म्युकर मायकोसिस असतो असं नाही. पण सूज येते नाकाच्या बाजूला सूज डोळ्याच्या बाजूला सूज येत असेल तर त्यावर ताबडतोब जाऊन दाखवून त्यावर उपाय करणं गरजेचं आहे. दर्शको जब से ये कोरोना महामारी ने दस्तक दी है तब से पूरे विश्व के लोगों को झकझोर के रख दिया है. भारत देश भी इस कोरोना बीमारी से निजात पाने के लिए अच्छा कामकाज कर रही है. चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो या प्रशासन ये लगातार अपने शहरवासियों के लिए इस लोकतंत्र में जीने वाले लोगों के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव हर कोशिश कर रहे हैं. जैसे कि अमेरिका में 33 करोड़ की जनसंख्या है तो वहाँ ये जो डिसीज था कोरोना बीमारी ये जल्दी कवर करने में आ गई. अब वहाँ की हालत तो ये है कि ना वहाँ कोई मास्क लगाता है ना सैनिटाइजर करता है ना सोशल डिस्टेंसिंग करता है. कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका ने सबसे पहले यह बाजी मार ली है. भारत भी ठीक उसी के पीछे में है. बहुत जल्द भारत में भी सब अच्छा होगा इसमें कोई दो राय नहीं है. यदि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले साल कोविड-19 फैलने के बाद से अब तक दुर्लभ और गंभीर फंगल संक्रमण म्यूकर माइकोसिस से 52 लोगों की मौत हो गई है. स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी ये जानकारी दी थी कि म्यूकर माइकोसिस को ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है. कोरोना वायरस से स्वस्थ हो रहे और स्वस्थ हो चुके मरीजों में यह बीमारी पाई गई है, जिसके बाद यह चर्चा का विषय बन गई कि इस बीमारी के मरीजों में क्या लक्षण होते हैं. तो इस बीमारी के मरीजों में खासतौर पर सिर में दर्द, बुखार आना, आँखों में दर्द, नाक में संक्रमण होने जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं. म्यूकर माइकोसिस से महाराष्ट्र में 52 लोगों की मौत हो गई. इनमें से सभी कोविड-19 से स्वस्थ हो गए थे लेकिन ब्लैक फंगस के कारण इनकी मौत हो गई है. अधिकारी ने अपना नाम जाहिर न करने की तर्ज पर हमसे बातचीत करते हुए ये बताया कि पहली बार राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस के कारण मरने वालों की सूची बनाई है. ब्लैक फंगस इतना घातक है कि वो कभी भी हम और आपकी रोशनी ले जा सकता है और हमारे जीवन में अंधकार हो सकता है, बशर्ते समय के चलते हम सब लोगों ने प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर की तर्ज पर काम करना चाहिए. यदि कोई लक्षण कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो सबसे पहले
विशेषज्ञ या चिकित्सकों से बात करना चाहिए और और उन्हें ये जानकारी देना चाहिए कि उन्हें क्या हो रहा है, जिसके चलते विशेषज्ञ और डॉक्टर की टीम भी अच्छा कामकाज करेगी और ये जो म्यूकोरमाइकोसिस, ये जो ब्लैक फंगस है, इससे निजात पा सकते हैं। जब हमने राजेश टोपे, स्वास्थ्य मंत्री राज्य के इनसे बात की, तो राजेश टोपे ने ये भी कहा था कि कमजोर प्रतिरक्षा, इसके लक्षण कैसे होते, क्यों होता है आखिरकार दर्शकों, कि कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र और अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इस बीमारी के चपेट में आने की आशंका अधिक होती है। ऐसे में मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार ने 18 मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में अलग अलग वार्ड बनाने का फैसला किया है। टोपे ने ये भी आगे कहा था कि इलाज में कई विषय में विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह फंगल संक्रमण नाक आँख और के जरिए फैलता है और खास बात यह कि यह मस्तिष्क तक पहुंच सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने ये भी माना है कि राज्य में म्यूकोरमाइकोसिस के कारण कम से कम 8 मरीजों को एक आँख से दिखना बंद हो गया था। दर्शकों, अब इस समय में हमारे साथ में फोन लाइन से जुड़ चुके हैं शहर के ऑफ्थल विशेषज्ञ डॉक्टर मिलिंद चंगोले साहब। तो आइए सीधा रुख करते हैं मिलिंद चंगोले साहब की ओर और डॉक्टर मिलिंद चंगोले से ये जानना चाहेंगे कि म्यूकोरमाइकोसिस, ये जो संक्रमण, ये जो बीमारी है, ये आखिरकार क्यों पनप रही है, क्या रहते हैं इसके सिम्टम और कैसे निजात पा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे में डॉक्टर लोग दिन रात काम कर रहे हैं, आखिरकार कैसे इस पे विजय मिला सकते हैं, कैसे जीत पा सकते हैं और क्या है उनके अनुभव, आइए देखते हैं स्क्रीन पर फोनों से उनसे की गई ये बातचीत। हेलो, तो दर्शकों इस समय में हमारे साथ में डॉक्टर मिलिंद चंगोले जी जुड़ चुके हैं, जो कि आँख के तज्ञ है। आइए उनसे ही जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये काला फंगस होता क्या है और ये म्यूकोरमाइकोसिस, ये जो डिसीज है, ये कैसा अच्छा हो सकता है और इसके क्या सिम्टम्स है। आइए तमाम बातों को जानते हैं डॉक्टर मिलिंद चंगोले से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बीसीएन के इस प्राइम टाइम कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। और सर ये बताइए कि म्यूकोरमाइकोसिस, ये जो बीमारी है, ये क्यों पनप रही है, इसके क्या सिम्टम्स है, क्या कहना चाहोगे? गुड मॉर्निंग। एक्चुअली म्यूकोरमाइकोसिस पहले भी रहता था, बट वो शुगर वाले पेशेंट में होता था जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और आईसीयू में उनको एडमिट करना पड़ता था, उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते थे। जी, मैंने एक्चुअली अपने शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति जिस एरिया में जिस वक्त कम हो जाती है उस वक्त ये इन्फेक्शन होता है। तो रोग प्रतिकारक शक्ति शरीर की दो टाइप की रहती है, एक अंदरूनी रहती है, एक बाहर वाली रहती है। जी, तो बाहर वाली रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने के कारण म्यूकोरमाइकोसिस नाम की बीमारियां होती है। तो बाहर बाहर को बाहर वाले इम्यूनिटी को हम सरफेस इम्यूनिटी कहते हैं, उसको वो जनरली स्किन और म्यूकोजा पे रहती है। तो म्यूकोजा यानी जो अंदरूनी लाइनिंग है नाक और जबड़े और मुंह की, तो जनरली उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने के कारण अपने को इस टाइप की अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन यानी जो नॉर्मल फंगल और बैक्टीरियल फ्लोरा रहता है जी, वो अपना एक्स्ट्रा पनप के शरीर में इन्फेक्शन करता है जो नॉर्मली नहीं कर सकता है। तो म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगस है जो अपने हवा में रहता है, शरीर में हमेशा जाता है, बट वो इन्फेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि अपनी सरफेस इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। बट कोविड के कारण अपनी सरफेस इम्यूनिटी कम हो रही है, उसी के कारण हमें ये इन्फेक्शन हो रहा है। इसमें और कोविड के अलावा रिस्क फैक्टर है शुगर, ज्यादा कोविड का सीवियरिटी होना जी, फिर कोविड कोविड के वक्त ब्लड का डिफेंस मैकेनिज्म जी में हम कहते हैं न्यूट्रोपेनिया, न्यूट्रोपेनिया होना। कोविड के वक्त दिए जाने वाली कुछ दवाइयां रहती है जो शुगर बढ़ाती है जी, और कोविड के वक्त दिए जाने वाली कुछ दवाइयां होती है जो नॉर्मल फंगस को मारती है, तो उसके कारण म्यूकर पनपने में और भी आसानी होती है। सर, तो ये सब सर ये मरीज इसकी इसकी जो इसके जो सिम्टम्स देखते ही इसके ऊपर में कैसे प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए लोगों ने? प्रिकॉशन है दो चीजें हैं।
एक कोविड के दरमियान अपना शुगर कंट्रोल करना चाहिए जी, शुगर चेकअप करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली सभी पेशेंट जो हमने पाए हैं कोविड के दरमियान उनकी शुगर बढ़ी है जी। तो अच्छा रहे कि पहले से ही शुगर अगर मॉनिटरिंग रहे और शुगर कंट्रोल हो जाए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी जी। अगर हम कोई भी चीज को बचाव कर ले तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा फ्रिक्वेंटली मास्क चेंज करें, वही मास्क रीयूज ना करें, क्योंकि उसमें भी जैसे ह्यूमिड कंडीशन में वो भी फंगल इन्फेक्शन पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सर ऐसे भी बताया गया है कि लोगों की आंखें जा रही है, इसमें कितना तथ्य है, कितनी सच्चाई है, क्या यह म्यूकोरमाइकोसिस ये जो डिसीज है इससे लोगों की क्या दोनों आंखें लोग गवा रहे हैं क्या, क्योंकि आपने अब तक के दर्जनों से अधिक इसके बीमारी का इलाज किया, ऑपरेशंस किया, क्या कहना चाहिए, क्या कहता है आपका अनुभव? जनरली क्या होता है, कोई भी बीमारी का एक लेवल होता है, अगर उसको पहली चीज है कि उसको होने ना दे, दूसरी चीज है अगर हो भी जाता है तो जल्दी से उसका पकड़ाव करें। तो इस पकड़ाव के लिए अर्ली सिम्टम्स अगर हम पकड़ लेते हैं तो उससे सीवियर डिसीज नहीं होता। अर्ली सिम्टम्स यानी अगर मेरे दांतों में झुंझनाहट है, मेरे को कोविड हो चुका है, मेरी शुगर हाई लेवल रह रही है और मेरे को न्यूट्रोपेनिया की बीमारी, यानी मेरे काउंट्स इतने अच्छे नहीं थे तो, और मुझे थोड़ा स्टेरॉयड एक्स्ट्रा मिला है, या फिर मुझे वोरिकोनाजोल या फुकोनाजोल जैसे दूसरे एंटीफंगल मिले हैं, तो ये सब चीजों अगर अपने को पता है तो हम बेसिक प्रिकॉशन से इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर हम अर्ली साइंस के तरफ ध्यान दें, यानी जो पहले पहले लक्षण आते हैं उसके तरफ अगर ध्यान दें तो अपन इस सब चीजों को अर्ली डिटेक्ट करके जल्दी से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ट्रीटमेंट में दो पार्ट होते हैं जी। जो चीज का ब्लड सप्लाई बंद होता है और जो चीज में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उनको निकालना पड़ता है, तो और दूसरा पार्ट रहता है दवाइयाँ। तो दवाइयों का तो स्कैर्सिटी, एक तो महंगा और टॉक्सिक दवाइयाँ है फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, और इतना फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होने के कारण दवाइयों की कमतरता भी मार्केट में आ रही है। सर तो ये म्यूकोरमाइकोसिस ये जो डिसीज है क्या है ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक कौन से उम्र के लोगों को होता है अधिकतर? ये जनरली जिसमें रिस्क फैक्टर है उसमें से किसी को भी हो सकता है, बट जनरली बच्चों में और बिलो 20 ईयर्स हमने नहीं देखा है केसेस को अभी ये कोविड सीजन में, उसके पहले हमने बच्चों में भी देखा है। सर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये कहा कि अगर इस तरह की कोई बीमारी होती है तो उनका इलाज फ्री में किया जाता है, क्या कहना चाहोगे कि शहर में म्यूकर माइकोसिस का कोई इलाज फ्री में होता है क्या और कहाँ होता है? नहीं, एक्चुअली इलाज तो फ्री में जीएमसी आईजीएमसी और बहुत सारे चैरिटेबल हॉस्पिटल करवा रहे हैं जी, बट ना सबसे लिमिटिंग फैक्टर मैंने कहा ना सर्जरी ही उपाय नहीं है, उसके लिए अपने को मेडिसिन भी देनी पड़ती है, तो मेडिसिन इज अ लिमिटिंग फैक्टर जिसकी स्कार्सिटी हो रही है। तो गवर्नमेंट में या जहाँ पे भी फ्री में ये इलाज हो जाता है, काफी जगह योजना में भी इसका इलाज हो जाता है, तो सिर्फ सर्जरी कवर हो जाती है, बट मेडिसिन के लिए क्वेश्चन मार्क रहता ही है। सर अब तक के कितने आपने मतलब हैंडल किया इस प्रकार के डिसीज को लेकर? वैसे तो हमने बहुत सारे केसेस हैंडल किए, बट ये ऑफिशियल जो रहता है ये ना ऑफिशियल कमेटी ही देती है जी, इसका आंकड़ा। तो जनरली हमारी एसोसिएशन है, जैसे ऑप्थेल्मिक ओएसएन है, नागपुर एसोसिएशन ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, फिर विदर्भ एसोसिएशन ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी एसोसिएशन ऑफ विदर्भ, ये सबके पास डाटा है, तो उनसे आपको अच्छे से डाटा मिल सकता है। बिल्कुल, तो आप थे डॉक्टर मिलिंद चंगोले जिन्होंने बखूबी बेबा के साथ बात करते हुए ये तमाम म्यूकोरमाइकोसिस आखिरकार ये बीमारी क्या है, किस तरह से इसका इलाज किया जाता है और मरीजों ने किस प्रकार के प्रिकॉशन लेना चाहिए इसके बारे में तमाम जानकारी इस समय में हमारे साथ साझा की डॉक्टर मिलिंद चंगोले। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जो आपने सटीक जानकारी हमें हमारे दर्शकों के लिए दी, धन्यवाद। थैंक यू। तो प्राइम टाइम में आज का हमारा विषय था म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस, ये क्यों होता है, कैसे होता है और कैसी प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये तमाम बातें हमारे साथ में जुड़ चुके थे
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, तात्या डॉक्टर तात्याराव लहाने और नागपुर से जुड़ चुके थे डॉक्टर मिलिंद चंगोले। तो इन सब से जब हमने बातचीत की तो एक ही बात सामने में आई कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमने हर उस मर्ज का पहले ही इलाज करना होगा जो हम में आ सकता है। आप भी बचे, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे और अपने देश के साथ साथ खुद भी बलवान रहे। तो नमस्कार, आज के इस प्राइम टाइम में इतना ही। अगली बार प्राइम टाइम में फिर किसी नए टॉपिक को लेकर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए बी सी एन न्यूज़ नागपुर। नमस्कार।